हेलो फ्रेंड्स, तो फिर से स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो में जहाँ दोबारा से लेके आ गए हैं सोलो लेवरिंग राइस। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेक श्योर अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो अभी तक हम इस गेम की स्टोरी में यहाँ तक आ गए हैं कि अभी हमने डबल डंजन क्लियर करी है और कुछ स्नैक्स को पेला है बहुत बुरी तरह, मतलब सपेरे बने थे हम। तो अब हम अपनी स्टोरी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और देखते हैं आगे स्टोरी में क्या होता है। और हम बूम बाम सुनने में आया है कि अच्छा, तो नहीं मैं बार बार ना उसका रेफरेंस नहीं दूंगा, क्या किसे एनिमे का रेफरेंस नहीं दूंगा। तो पहली बात, तो जिन जिन ने सोलो लेवलिंग देखा है, मेरा उनसे एक सवाल है, तुम्हें क्या लगता है कि इस गेम में हमें आगे की स्टोरी देखने को मिलने वाली है? अगर ऐसा कुछ है तो कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि मैं ऐसा एज्यूम करके चल रहा हूँ कि यहाँ पर शायद स्टोरी आगे दी गई है। तो इसका तो मैं इसे अब सही से खेलने वाला हूँ, क्योंकि मुझे स्टोरी आगे देखनी है, मैं इस पर्सपेक्टिव से अब चलने वाला हूँ। तो फिलहाल यहाँ पे कुछ मॉन्स्टर्स हैं जो कि हम पता है कहाँ से आए हैं, हम अभी वो स्नेक को मार के आए हैं। हमारे पिछले एपिसोड में यही हुआ था, अगर आप लोगों ने देखा नहीं तो इसकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। और तो और आपको मेरा इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड सर्वर दोनों ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसके साथ ही, तो आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो आओ इन हल्क जैसे बंदों को पेला जाए। क्या ही सस्ते सस्ते से बंदे दे रखे हैं, मेरे को थोड़े टफ बंदे चाहिए। तुम्हारी मेरी हेल्थ देखो कितनी है, मेरी हेल्थ है क्या, ये 8 है समथिंग, क्या है मेरे को दिखाई नहीं दे रहा। जो भी है, ग्रीन कलर की हेल्थ और ये ब्लू कलर का शायद ना मेरा स्टेमिना है, पता नहीं क्यों, शायद हाँ स्टेमिना है। देखो जब मैं फाइट कर रहा हूँ तो वो कम हो रहा है, और जब मैं रन कर रहा हूँ तो वो शायद गैदर हो रहा है, कलेक्ट हो रहा है। ओ शिट, इवैकुएशन है क्या चीज़, अच्छा इविएशन था ये, सॉरी। ओके, ये कुछ ताड़ा सा लग रहा, ओ ये उसकी तरह नहीं लग रहा, वो बैंटन का एक एपिसोड था जिनमें वो जो लड़की सी थी वो ऐसे वो अपने बॉल से भेजती थी, वो भी ऐसे बन के निकल के आते थे, मेरे को नहीं पता क्या, अगर आपको याद है तो कमेंट में बताना यार। कुछ तो कहते थे उन्हें समथिंग, मेरे को याद नहीं आ रहा, खैर जाने दो। और इसका ये जो मूव में ये एनिमेशन दे रखा है, ये सही लगता है। आ जाओ भाई, लगता है इसको क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे लगा ही था कि उसको मारने के बाद सारे डाउन हो जाएंगे। तो अभी मिशन कंप्लीट नहीं हुआ है, समझ लो कि अभी हमने सिर्फ एक वेव क्लियर करी है और भाई हम आगे बढ़ रहे हैं। लाइक ऐसे समझ लो कि वो बॉस का एक छोटा सा चेला था जो हमें रोकने आया था, अभी जो मेन बॉस है वो बचा हुआ है तो उसको मारना है। डिफीट ऑल द मैजिक बीस्ट, यूज एक्सट्रीम इविएशन 3 or more times, देखते हैं अगर हो पाया मेरे से तो मैं कर दूंगा, और नहीं तो मैं ऐसा होगा ना कि मैं लाइक जैसे जो मिशन है अगर एक बार में कंप्लीट नहीं हुआ तो मैं अपने आप से अलग से इन्हें कंप्लीट कर लूँगा, ताकि हम बिल्कुल सही बराबर लेवल पे चले। और ये क्या रेस्ट कर रहा है यहाँ पे, अच्छा यार मेरे को ऐसा लगा कि ये रेस्ट कर रहा है साइड में। तो साथ में साथ मतलब मैं इसे दोबारा खेल के उस मिशन को कंप्लीट कर लूँगा, ताकि मेरी जो अचीवमेंट्स हैं वो मुझे बराबर मिलती रहे, ताकि हम बहुत ज़्यादा पावरफुल बन सकें। तो आओ इसे धूल चटा दे, इस पत्थर को इस धरती में मिला दे। गया, आगे बढ़ते हैं, अब कौन आएगा। अच्छा हमें ना ये पोर्टल बंद करना है, अगर फिर से मैं यार वही बात है, वो एनीमे देख रखा है ना तो बार बार वही आता है कि यहाँ पे पता क्या होता है, सिर्फ ये एक नाइफ फेंकता है इसके ऊपर और ख़त्म हो जाता है। ब्लू स्प्रिट गॉबलिन, गॉबलिन कह रहा हूँ, गॉबलिन तो वो जाते हैं। क्या है, ब्रेक सम बॉसेस एनकाउंटर हैवी ब्रेक सॉस, द गॉज कैन बी डिफीटेड यूजिंग स्किल्स विद द ब्रेक इफेक्ट। ओ अच्छा, कुछ होगा समथिंग लाइक दिस, क्या है ये, व्हेन द ब्रेक गॉज डिफ्लेक्ट बिकम समथिंग, कुछ है। हाँ ठीक है, पढ़ लिया मैंने, समझ जाए, हो जाएगा, देखते हैं क्या करता है ये। और इसके बीच में कुछ तो है, ये रहा, यही है शायद ये, भाई मैं तो खड़ा रह गया, क्या था ये वॉक क्यों कर रहा है भाई। ओ तेरी, काफ़ी सही था। अच्छा यहाँ पे ना क्या लिखा, टैप द बेसिक स्किल बटन टू यूज़, ठीक है हम कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे अब आप लोगों को मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, ये एक ऑटो बटन है यहाँ पे, अगर मैं इसे क्लिक कर दूँ ना, क्लिक क्या, वो क्लिक टी है शायद, मेरे को नहीं पता क्या है, लेकिन मैं खुद ही सेल्फ अभी मैं अपने आप से खेल रहा हूँ, ये उसके ऊपर नहीं है, मैं बता दूंगा कब मैं वो उस चीज़ को यूज़ कर रहा हूँ और कब नहीं, क्योंकि लाइक इसे ऑटो पे होगा ना तब भी हम इसे अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं, अपने हिसाब से मूव कर सकते हैं। और ऑटो पे लगाने के बाद आप छोड़ दो, ये अपने आप फाइट करेगा बिल्कुल परफेक्ट, मतलब जो भी इसके पास मूव्स अवेलेबल होंगे, लाइक जैसे देख रहे हो ना ये उस पर लोडिंग पे चले जाते हैं 2, 3, 4 कूलिंग डाउन जो भी सिस्टम है, तो उसके बाद जैसे जैसे वो आते रहेंगे ना वैसे वैसे वो यूज़ करता रहेगा ऑटोमेटिकली, मतलब एक प्रॉपर सेल्फ फाइट, अपने आप वो फाइट करेगा। काफ़ी सही दिखाया, लेकिन फिर बंदे ऐसे ऑटो पे लगा के चले जाएंगे। ब्रेक, अच्छा ये है कुछ समथिंग ब्रेक, अच्छा
ये मतलब ये वो है कि एक टाइम पे ये बहुत वीक पड़ जाएगा। और उसकी भाई इसकी हेल्थ कितनी ज़्यादा है, इतनी देर से मैं इसे मार रहा और अभी सिर्फ 74% डाउन हुआ है। कोई बात नहीं, और इसके पंजे वंजे काफ़ी सही हैं। इसका सर कहाँ है, मुझे इसका सर नहीं दिख रहा। ओ भाई इसके बैक से वो जो सही है यार, काफ़ी मैं देखा है विलन्स को ना बहुत ज़्यादा कूल बनाते हैं यार थोड़ा। हाँ ठीक है, हमारा कैरेक्टर भी कूल है, लेकिन मेरे को वो वाली आउटफिट चाहिए यार। ये मेरे को सस्ती सी आउटफिट नहीं चाहिए। हाथ में जिसने बैंडेज लगा रखा है ना, ये छपरी सा, मुझे कुछ बढ़िया चाहिए, मुझे वो वाला सेट चाहिए पूरा। डिफीट दबाया, क्या लिखा, विन विद इन 150 seconds। ठीक है, 150 seconds से ज़्यादा हो गया क्योंकि हम बकवास जो कर रहे हैं इतनी। खैर 33% बचा है तो सब फटाफट निपटाते हैं। और ये जो ओके, मतलब पता है ज़रूरी नहीं, अगर एविएशन यूज़ करा तो तुम उस अटैक के रेडार में हो तो भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम उसे डॉच कर दोगे। ज़रूरी नहीं कि तुम्हें उस रेडार के बाहर जाना ही जाना है। ओ भाई साहब काफ़ी सही, एविएशन से तो मैं सीख चुका हूँ, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आराम से मैं किसी को भी, ये क्या कर रहा है, आराम से मैं किसी को भी डिफीट कर सकता हूँ। लेकिन ये एविएशन, ये भी बात है ना, ये सिर्फ 3 बार यूज़ कर सकते हो, उसके बाद ये इनकी अलग कूलिंग सिस्टम है। चलो ये गया। और ये क्या है, अच्छा यहाँ पे शायद ये कोई स्पेशल, ओ भाई साहब, अच्छा ये अभी यहाँ पे शायद सिंगल स्वॉर्ड फेंकेगा। ये देखा, ये टूटी होती है ये, और फुल फोर्स के साथ बूम, सर में डालेगा सीधा। आंखों में डाला, सर में डाला है, खैर जहाँ पे भी डालो अब तो इसको। और ये देखो, ये वो टीम थी, ये मतलब इस एग्जैक्ट ऐसे ही था, ये जो टीम है ना ये लड़ रही थी और हम बिहाइंड द सीन, मतलब कहीं समझ लो डार्क, मतलब कहीं से आते हैं और भीड़ में से इसे मारते हैं। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं कि आगे स्टोरी क्या होने वाली है, इसको मैं थोड़ा स्किप कर देता हूँ। तो लो हम वापस आ गए, और यहाँ पर कुछ जॉब टाइप, कुछ कोई मिशन है जहाँ पे हमें करना पड़ रहा है, लेकिन मुझे ये चीज़ याद नहीं है कि कब हुई थी। बट यहाँ पर हम शायद अपने आप को डिफीट करना है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है भाई, मतलब ये हमारे ना सर के अंदर की फाइट है, मतलब ये इसकी, इसके ब्रेन सेल्स, ये मतलब लाइक समझ जाओ कि बस हाँ ये दिमाग के अंदर की फाइट है। डिफीट दी अदर सूंग जिन, वो जीनू, मैं जीनू बोलूँगा। अरे भाई साहब उसके मूव्स कितने खतरनाक है, और उसके यार ये रेड थीम ना मेरे को चाहिए यार, ये थीम चेंज कर सके ना तो मज़ा ही आ जाएगा। लाइक जैसे जो ब्लू थीम है ना हमारी, लाइक जैसे स्लैशेस और जो भी है ये डैशेस वगैरह, ये मुझे रेड चाहिए यार बिल्कुल उसके। ओ भाई ये क्या है, मुझे ना बिल्कुल रेड चाहिए, तभी मज़ा आएगा। और हाँ अच्छा हुआ याद आ गया कि ये जो गेम है ना ये प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, अभी तक ये अर्ली एक्सेस में था, मतलब हम डाउनलोड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब ये प्रॉपर आ चुका है तो आप फटाफट जाके डाउन कर सकते हो और गेम का मज़ा खुद ही उठा सकते हो, खुद ही अपनी स्टोरी देख सकते हो। तो जाओ फटाफट डाउनलोड कर लो, खुद आराम से हो जाएगा, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, तो कहीं थर्ड पार्टी ऐप का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। और भाई इसने मेरी हेल्थ क्या गिराई है, और ये भी 53 पे, ये शायद ना ऐसा है कुछ कि पहले से ही सेट होता है। देखो ये कितना मार रहा है, लेकिन मेरी हेल्थ उतने की उतनी ही शायद स्टक है, देखो कितना मारा उसने मुझे। तो मतलब ना ये सेट होता है, प्री सेट टाइप समझ लो कि हमें यहाँ पे इसे डिफीट करना ही करना है, चाहे मतलब हमारी हेल्थ, मतलब हम मरेंगे नहीं, साफ सीधी सी बात है, बस हमें इसे डिफीट करना है ताकि हम स्टोरी लाइन के आगे, स्टोरी लाइन के अकॉर्डिंग चल सकें। और ये भाई जो भी कहो, और ना इसके, अच्छा इसने देखो सूट कौन सा पहन रखा, शायद इसको डिफीट करने के बाद हमें वो सूट मिल जाए। ओके ख़त्म हो चुका है ये, तो मैं सोचते ही रहा हूँ कि हमें वो सूट मिल जाए, देखते हैं मिलता है या नहीं। ओके यहाँ पे कुछ एनिमेशन देखने को मिलने वाले हैं, अच्छा अच्छा ठीक है, मैं कुछ बोलूँगा नहीं। बॉयस बहुत सही असैसिन, हाँ चेंज जॉब, मैंने कहा था ना। और यहाँ पे हमें स्किल्स, टोटल पावर, हमारी पावर इंक्रीज़ हुई है कितने पॉइंट से, शायद 80 पॉइंट से, तो अब आगे देखते क्या होता। और यहाँ पर कुछ तो इमरजेंसी की सिचुएशन है, कोई नया गेट ओपन हुआ है, अच्छा ये शायद ना कोई नया गेट ओपन हुआ है, चल के देखते हैं कि क्या सीन है। अ न्यू गेट हैज़ बीन ऑब्जर्व, प्लीज़ रिक्रूट स्ट्राइक फोर्स, ठीक है रिक्रूट करता हूँ मैं। तो बेसिकली यहाँ पे हमें डजन्स के बारे में बताया जा रहा है, लाइक अदर गेम्स में होता है ना कि ज़रूरी नहीं कि आप स्टोरी लाइन पर चलो, आपको साइड बाई साइड थोड़ा ग्राइंड भी करना पड़ता है, तो वही सिस्टम है यहाँ पर। तो अभी हमारा सारा ध्यान सिर्फ, हमारा मतलब मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि सिर्फ डजन को क्लियर करना, ताकि रिवॉर्ड्स और जो कि अलग एक्सेट्रा एक्सेट्रा थिंग्स होती हैं, लेवल्स और समथिंग, उन सब चीज़ों को गेन कर सके, पावर अपना बढ़ा सके। लेकिन मुझे देख के तो ऐसा लग रहा है कि अभी हमारी काफ़ी अच्छी पावर, और उस बंदे की जो फ्लेम्स थी काफ़ी सही है, उसका नाम मुझे याद नहीं। और ये लड़की शायद ये हीलर है एक तरीके की,
मैं आप लोगों को बता दूँ जिन लोगों को नहीं पता, हीलर है और एक वो अच्छा खासा बंदा है, वो मतलब हमसे तगड़ा है पावर के हिसाब से अभी शायद, अगर मैं सही हूँ, क्योंकि उसने अभी सिर्फ एक मूव करा उसने काफ़ी बंदे मार दिए। और मेरे पास एक काफ़ी नए, ओ भाई साहब काफ़ी अच्छे मूव्स आ गए। ओ ये अच्छा यार, शैडो स्टेप काफ़ी बढ़िया था, कूल था। और यहाँ पे अब शायद ओके स्टील क्लॉट जो भी आए, नाम ही नहीं पढ़ने देते इतनी जल्दी क्यों भाई। कोई बात नहीं, ख़त्म होगा चुटकियों में। लो नहीं अभी है यार, इसकी हेल्थ काफ़ी है, कितनी है 70%। तो कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम तो लेगा लेकिन पिटेगा जरूर, मंकी जैसा लग रहा है बंदर का बच्चा। और इसके चेले चपाटे भी आ गए लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं। और ये शैडो स्टेप भाई साहब बहुत ही जहरीला, लाओ इसे हम फटाफट निपटा ही देते हैं। बूम, तो हो गया हमारा डजन क्लियर और रैंक है हमारा एस रैंक है, ये क्या बात हुई भाई अभी से। खैर तो दोस्तों आज की, और ये रही, अच्छा ये रहा वो गेट्स जहाँ पे मुझे आपको दिखाना था, यहाँ पे बहुत सारे गेट्स हैं अलग अलग लेवल के, डी रैंक, तो हम कोई से भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो से इतना ही, आशा करता हूँ लोग वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।